वैश्वीकरण का लोकतंत्र पर प्रभाव। तो देखिए पहला प्रभाव ऐसे समझिए कि वैश्वीकरण ने जो संचार क्रांति को बढ़ावा दिया, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकतंत्र जो है जनता का तंत्र है, और जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो इसके कारण लोकतंत्र में सुधार की संभावना बनने लगी। तो लोकतंत्र में जो सुधार की संभावना बनी है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण बनी है। लोकतंत्र व्यापक स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम में भूल भी गए तो मैं आप लोगों को DPSP मूल अधिकार शायद उस पर प्रभाव लिखाया था, वहां से भी जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। मैं दो चार लिखवा दूं। नंबर एक लिखिए सकारात्मक प्रभाव में वैश्वीकरण के कारण संचार क्रांति को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण के कारण संचार क्रांति को बढ़ावा मिला। संचार क्रांति को बढ़ावा मिला जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। विचारों का आदान प्रदान होने लगा। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नागरिकों में चर्चा होने लगी। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नागरिकों में चर्चा होने लगी जिससे लोकतंत्र का आयाम व्यापक बना है। दूसरा ही देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र का आयाम जो व्यापक बना तो आप देख रहे हैं कि अंतर संबद्धता, वैश्वीकरण ने अंतर संबद्धता को बढ़ावा दिया। दूसरे देशों से हमारा संबंध होने लगा। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हम ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विस्तार हो गया। भाई आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद ही तो अधिकांश संस्थाओं का गठन हुआ है। चाहे वो WTO को लीजिए, भाई WTO के पहले की संस्था क्या थी, राइट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ पढ़ते होंगे तो देखा जाते इसमें केवल पूंजीवादी देश ही तो थे। जो गैट था वो पूंजीवादी देशों का संगठन। WTO में पूंजीवादी देश भी हैं और साम्यवादी देश भी हैं। चीन भी WTO का मेंबर है, रशिया भी मेंबर है। आप देख भले बाद में बने हैं सब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जो अंतर संबद्धता को बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास होने लगा। और इस तरह से देखा जाए तो जो लोकतंत्र में जो समाजवादी लोकतंत्र था, जो पूंजीवादी लोकतंत्र था, इसके मध्य जो दूरी थी वो समाप्त हो गई। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ वैश्वीकरण ने कि लोकतंत्र को जो विचारधारा के नाम पर जो हम लोग बांटते थे, उस वैश्वीकरण ने विचारधारा के नाम पर जो लोकतंत्र का बंटवारा था उसको ही समाप्त कर दिया। आज ये बताइए, आज हम लोग समाजवादी लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र की बात कहाँ करते हैं? रूस साम्यवादी देश है कि पूंजीवादी? रूस जो है राजनीतिक रूप से भले ही साम्यवादी है, शुद्ध रूप से पूंजीवादी। राजनीतिक रूप से कुछ प्रावधान ही उसके साम्यवादी देशों की तरह है, बाकी वो अमेरिका से कम नहीं है, वो एकदम पूंजीवादी देश है। चीन आप देखिए, चीन जो है वो साम्यवाद में पूंजीवाद को मिला दिया। तभी तो ये इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने ही तो जो है इस तरह का परिवर्तन किया। पोलैंड है, हंगरी है, चेकोस्लाविया है, युगोस्लाविया है, ये जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे सब साम्यवादी देश थे। अब कोई साम्यवादी देश बचा नहीं। साम्यवादी देश नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण ने सब जो दूरी था खत्म कर दिया। नंबर दो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने अंतर संबद्धता को बढ़ावा दिया। अंतर संबद्धता को बढ़ावा दिया जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा मिला, जैसे WTO, G20 और इस तरह की संस्थाएं वैचारिक लोकतंत्र की दूरी को कम कर रही। इसी कारण विश्व का कोई भी देश पूर्णतः साम्यवादी नहीं है। पूंजीवादी नहीं है।
अब देखिए, कल जैसे मैं बता रहा था कि भाई वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उससे जो है, आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि जियो जो पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स जो है जियो इकोनॉमिक्स में चेंज हो गया, जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक में चेंज हो गया, जियो पॉलिटिक्स को बोलते हैं भू राजनीति का मतलब, भू राजनीति का मतलब तो जियो स्ट्रेटजी क्या होता है, इतना जटिल परिभाषा रखने की जरूरत नहीं। जियो पॉलिटिक्स का मतलब हुआ भूगोल प्लस राजनीति, भूगोल प्लस राजनीति। जब भौगोलिक चीजों को लेकर जब क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर या देशों के मध्य कोई संबंधों का विश्लेषण किया जाता है तो उसे जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है। जैसे हिंद महासागर को लेकर, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के लिए जब दक्षिण एशिया के देश या दक्षिण पूर्व एशिया के देश आपस में विचार विमर्श करते हैं, या हमारे ये हिंद महासागर क्षेत्र का जो है दक्षिण एशिया पे प्रभाव का जब हम आकलन करते हैं तो ऐसे विश्लेषण को जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब क्लियर हुआ? और जियो इकोनॉमिक्स का मतलब, जियो इकोनॉमिक्स का मतलब तो ये बड़ा गोला जो है जियो पॉलिटिक्स है, इसी के भीतर एक छोटा गोला है जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स क्योंकि भौगोलिक पहलुओं से ही अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, तो जब भौगोलिक पहलुओं से अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है तो अर्थव्यवस्था को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विवेचन किया जाता है, यहाँ पर आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसे विवेचन को भू अर्थनीति कहा जाता है। और इसी के भीतर एक गोला है, जियो पॉलिटिक्स के भीतर ही गोला है सब, जियो स्ट्रेटजी, भू सामरिकता। भू सामरिकता का मतलब भौगोलिक पक्षों को लेकर जब सुरक्षा के आयाम का विवेचन होता है तो ऐसे विवेचन को भू सामरिकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हिंद महा जो है, जैसे मान लीजिए भारत तीन ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, भारत जो है वो देखा जाए हिमालय पर्वत से ऊपर से है, जब इसको लेकर हम लोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं या सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर जब संबंधों की बात करते हैं ऐसे विवेचन को जियो स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है एस्ट्रो पॉलिटिक्स जब अंतरिक्ष को लेकर हम लोग जो है राजनीति करते हैं, संबंधों की विवेचना करते हैं तो उसको एस्ट्रो पॉलिटिक्स कहा जाता है। चलिए वो जो बता रहा था, अच्छा हाँ वो बता रहा था, जियो पॉलिटिक्स की जगह पर जियो इकोनॉमिक्स आ गया। जब जियो इकोनॉमिक्स आ गया तो जो लोकतांत्रिक पहलू है वो भी अर्थव्यवस्था पर आधारित हो गया। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो भाईचारा है, वो अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। हमारा जो है अमेरिका से अच्छा संबंध है, क्यों? क्योंकि अमेरिका को हम लाभ पहुंचाते हैं। हमारा चीन से संबंध क्यों है? क्योंकि हम चीन को लाभ पहुंचाते हैं। तो अब जो है वह देखा जाए तो आर्थिक पहलू को लेकर लोकतंत्र ज्यादा जो है सचेत हो गया है। और इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का सार्थक तो बनता जा रहा है। नंबर तीन, वैश्वीकरण में भू राजनीति की जगह भू अर्थनीति को बढ़ावा मिला। वैश्विक लोकतंत्र का विकास हुआ, जिसमें आर्थिक पहलुओं को लेकर लोकतांत्रिक संबंधों की स्थापना हो रही है। जैसे भारत अमेरिका संबंध आर्थिक पहलुओं को लेकर लोकतांत्रिक संबंधों की स्थापना हो रही है। वैचारिक भी लिखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं क्या भाई लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्यों का समुच्चय है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आज हम पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कैसी प्रकार से ताप वृद्धि, इस तरह की जो समस्याएं हैं उन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम लोग जो है वो देखा जाए तो उन सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र तो वैश्विक हो गया है, लोकतंत्र न तो अमेरिका ब्रिटेन का रहा, लोकतंत्र तो पूरे विश्व की व्यवस्था हो गई। इसीलिए विश्व में जो है देखा जाए तो सऊदी अरब जैसा देश भी जो है वो धीरे धीरे जो है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है।
जैसे आप लोग पढ़ते हैं IR में अरब स्प्रिंग पढ़ते हैं ना, अरब जागृति, ये इसमें नहीं पढ़ते हैं। अरब जागृति की शुरुआत कब से, कहाँ से, ट्यूनेशिया, दिसंबर 2010 पीटी में नहीं आया था, 4-5 साल पहले लिखिएगा पेपर में। अरब जागृति, अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब स्प्रिंग को ही जस्मिन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, चमेली क्रांति। खाड़ी देशों में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया चल रही है, 2010 ट्यूनेशिया से शुरू हुआ, ट्यूनेशिया से। देखिए मैं बताया आप लोग पहले दिन से बोल रहा हूँ, काम का चीज पढ़िए, अबार कबार पढ़ने से न तो पीटी होगा न तो मेंस होगा। 1990 के दशक में कौन बताया है अरब स्प्रिंग, कोई बता दिया होगा, महान आत्माएं लोग हैं वो। उसमें अरब स्प्रिंग कहाँ से आ गया, अरब स्प्रिंग का कंसेप्ट 2010 में ट्यूनेशिया से उत्पन्न हुआ है। वे नली वहाँ शासक थे, लोगों ने शांतिपूर्ण जो है वो देखा जाए प्रदर्शन किया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और इस तरह से देखा जाए तो त्यागपत्र देने के बाद वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। अफ्रीका का छोटा सा देश है ट्यूनेशिया, कह सकते हैं अफ्रीका का सिंगापुर उसको कहा जाता है। तो ये जो है वहाँ पर अरब स्प्रिंग जागृति, अब जानते हैं यही चीज़ यमन में, सऊदी अरब में, चाहे मान लीजिए सब करिए सीरिया में या मिस्र में, तमाम देशों में ये सब चल रहा है, जिससे जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो रही है। इस बात को हम लोग जो है तानाशाही को समाप्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना जो पश्चिम एशिया जगत में हो रहा है, जो खाड़ी जगत में हो रहा है, उसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। तो मैं बताया कि भाई धीरे धीरे जब लोकतंत्र का विस्तार हो गया, NCERT में लिखा हुआ अरब स्प्रिंग, बहुत बढ़िया, जो समकालीन विश्व राजनीति की चुनौती, कक्षा 11 का नहीं 12 का है, NCERT भी लिए नहीं लगता है, समकालीन विश्व राजनीति की चुनौतियां भूरे और पीले कलर का होगा। समकालीन विश्व राजनीति वो अलग किताब, वो जो IR की किताब है वो 12th की किताब, 12 की NCERT। पढ़ लेना चाहिए और पढ़ना, दोनों में होता है अंतर। क्या क्या कर लेना चाहिए जीवन में, बार बार बोलता हूँ, हाँ करना है, ये बोला करे करना है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, आप देखिए आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको समझ गए होंगे, जितना बोल देता हूँ उतना करता हूँ, ये बट कुछ नहीं चलता है, जितना बोलता हूँ उतना कर देता हूँ। एक आप लोगों का टेस्ट बोला था ना, टेस्ट होगा, पहले दिन भले ना आपको विश्वास रहा हो, क्योंकि सब फर्जी टेस्ट चलता है, 2-4 टेस्ट जब एडमिशन ले लेंगे तो उसका टेस्ट बंद हो जाता है, लेकिन टेस्ट लेता हूँ ना, नोट्स पूरा बना के दिया ना, पढ़ा रहा हूँ, कोर्स खत्म करूँगा, तीन ही चीज़ बोला था, चौथा चीज़ तो बोला भी नहीं, तीन चीज़ पूरा करूँगा। मतलब ये है कि NCERT पढ़ने से दो फायदे हो, एक तो बेस मजबूत हो जाता है, और जब किसी चीज़ का बेस मजबूत हो जाता है तो आपको क्या होना है कि अगला जो चीज़ समझेंगे वो समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जैसे ट्रेंड बदल रहा है ना, वो काफ़ी खतरनाक मेंस में भी। इस बार मेंस का पेपर देखिएगा, बस मेंस का पेपर देख लीजिएगा, ठीक, अभी बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR, क्वेश्चन देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग एग्जाम में आधा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख के नहीं आ पाएंगे, ऐसा घुमाएगा ना जैसे PT में CSAT घुमा के ठीक कर दिया, वैसे घुमा देगा पेपर, क्योंकि वो अपना ट्रेंड बदल रहा है, उसको मालूम है अब दूसरे मोड पर परीक्षा को ले जाना है 2-3 साल के बाद। ये परीक्षा इतना 1 साल का लंबा परीक्षा चम नहीं होगा, कंप्यूटर से परीक्षा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 साल के बाद कंप्यूटर से परीक्षा होगा, आज परीक्षा PT का देंगे, परसों रिजल्ट आ जाएगा, ठीक, परसों रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद तुरंत वो मेंस लेगा 2 महीने के बाद, और उसका इंटरव्यू लेगा, सब परीक्षा 6 महीने में खत्म कर देगा, उस मोड पे वो जा रहा है। और क्या भाई, जैसे मान लीजिए अरे भाई परीक्षा नहीं देते हैं वो, देखिए SSC का एग्जाम देते कितने दिन के भीतर रिजल्ट आ जाता है, 1 सप्ताह में,
इस संडे को एग्जाम दिया, अगले संडे को रिजल्ट आ जाता है। अब बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, आज एग्जाम दीजिए परसों ही रिजल्ट दे देगा, अगर घर गए वापस आए पता चल गया क्या करना है, उतना भी छूट नहीं देगा, जाके एक हफ्ता घर टहल के आइए। अच्छा है ना, 6 महीने में एग्जाम खत्म करेगा। एक और लिख दीजिए, नंबर 4। वैश्विक लोकतंत्र के विकास से वैश्विक चुनौतियों, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं का समाधान विश्व स्तर पर विचार विमर्श से हो रहा है। जैसे कौन सा है सौर वाला अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विकास। अब 2-4 नकारात्मक एक और लिखिएगा, 3 तो मैं ही लिखवा दिया, एक और लिख डालिएगा। अब नकारात्मक प्रभाव, इसलिए जब 2-4 लिखवा रहा हूं ना, मैं बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई किताब ढूंढेंगे कि वैश्वीकरण का लोकतंत्र पे प्रभाव, वैश्वीकरण का मूल अधिकार प्रभाव, मिलना उलना तो है नहीं। और सब मान लीजिए थोड़ा सा लिखे रहेंगे तो वहां समझ बूझ कर लिख कर चले आएंगे। आने वाले समय में वैसे ही लोगों का सिलेक्शन ज्यादा होगा जो समझ बना रखे होंगे, और बनना आसान होगा, बनना कठिन नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूरा सिलेबस को रटना बहुत कठिन काम होता है, समझ बनाना आसान काम होता है। यदि समझ बन जाएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, वहीं से लिख दिया जाएगा, काम खत्म हो गया। उससे क्या होगा कि जो लोग रटाई करेंगे, रटा हुआ तो आना है नहीं, अभी बोल रहा हूं, और जो लोग थोड़ा समझ बूझ के पढ़ लेंगे, कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेंगे, बस हो गया खत्म। अब जैसे देखिए नकारात्मक प्रभाव में पहला चित्र यही है कि भाई जैसे कल भी बता रहा था कि वैश्वीकरण ने जो है निजी क्षेत्र का जब विकास कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है जो घरेलू सरकारें हैं वो धीरे धीरे उनका उत्तरदायित्व कमजोर हो गया, वो कहीं ना कहीं कोई चीज उत्तरदायित्व लेने को तैयार ही नहीं है, उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है तो सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र जो है घरेलू स्तर पर कमजोर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है वह देखा जाए तो निजी क्षेत्र का विकास हो रहा है और निजी क्षेत्र मनमानी कर रहा है, और सरकार का कंट्रोल तो है नहीं। भाई अडानी साहब मोदी साहब को कंट्रोल करेंगे ना कि मोदी साहब अडानी साहब को कंट्रोल करेंगे, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मान लीजिए हमें कहते हैं अब जो चुनाव में पैसा देगा, मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपया जो खर्च करेगा चुनाव में, वही तो कंट्रोल करेगा नेताओं को। सीधी सी बात है, जो चुनाव में करेगा वही तो, हाँ, क्रोनी कैपिटलिस्ट इसी को बोलते। नंबर 1, वैश्वीकरण ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जिससे घरेलू सरकार का उत्तरदायित्व कमजोर हुआ है। अर्थात सरकार महंगाई गरीबी जैसे पहलुओं की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। भारत की बात नहीं है, सभी देशों में यही स्थिति है, महंगाई गरीबी जैसे पहलुओं की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, सिद्धांत लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। देखिए अभी जो बता रहा था कि भाई लोकतंत्र में जब निजी क्षेत्र का विकास होगा, कैपिटल मोनोपोली होगी, तो पूंजीपति जो है और देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको रेगुलेट करेगा, सरकार पूंजीपतियों को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, इसीलिए ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने थे। उदाहरण भी है, ट्रंप साहब शुद्ध रूप से पूंजीपति हैं। अब जानते हैं क्यों पूंजीपति हैं और वैश्वीकरण की परिस्थिति थी, राष्ट्रपति बन गए। नंबर 3, 2, वैश्वीकरण में निजी क्षेत्र निरंतर मजबूत हुआ है और लोकतांत्रिक सरकार को नियंत्रित कर रहा है।
अर्थात पूंजीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है, पूंजीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है, पूंजीवादी लोकतंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। इससे देखिए, जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी तो असमानता बढ़ेगी, संसाधनों का केंद्रीकरण होगा। जब असमानता बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है असमानता बढ़ने से अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो लोकतंत्र का जो मूल्य है वो कमजोर हो रहा है। नंबर 3, वैश्वीकरण ने सामाजिक आर्थिक न्याय को भी, वैश्वीकरण ने सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी प्रभावित किया है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी प्रभावित किया है, क्योंकि संसाधनों के केंद्रीकरण होने से, संसाधनों के केंद्रीकरण होने से असमानता निरंतर बढ़ रही है, असमानता निरंतर बढ़ रही है, असमानता निरंतर बढ़ रही है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो रहा है। देखिए, वैश्वीकरण ने जो सैद्धांतिक जो लोकतांत्रिक जो विवेचन था, जो विमर्श था, उसको भी कमजोर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भाई, पहले क्या होता था, मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री बने, कौन सा करोड़पति व्यक्ति थे और सिंपल व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके जो बच्चे हैं अनिल शास्त्री, याद आ गया नाम, क्योंकि बनारस में हम लोग का मकान है तो उसी गली में वो भी रहते हैं, उनका भी मकान है, अनिल शास्त्री हम लोग अंकल कहते थे, तो अनिल शास्त्री अंकल का वहीं पर मकान है। तो ये बताइए, SBI में वो मैनेजर, उनके लड़के SBI में मैनेजर थे, तो ऐसे हम लोग बोलते थे, हम कह कि अंकल दादा तो प्रधानमंत्री थे, आपको कौन सा मैनेजरी करने की जरूरत पड़ गया, ऐसे बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं। तो बोलते थे दादा प्रधानमंत्री थे ना, मैं थोड़े न था, बस एक व्यवहारिक बात समझिए, सिंपल स्कूटर से चलते थे, जो हम लोग रहते थे BHU पढ़ते, स्कूटर से आना जाना वो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम प्रधानमंत्री के लड़के हैं, एकदम सिंपल। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो वैश्वीकरण, जो वैश्वीकरण की जो परिस्थिति आया, उसने लोकतंत्र का स्वरूप भी तो बदल दिया। अब लोकतंत्र दिखावटी ज्यादा हो गया, लोकतंत्र जो है दिखावटी ज्यादा हो गया, लोकतंत्र के वास्तविक मूल्यों को रखना महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र को दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी यही भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी, फ्रांस में भी, हर जगह ऐसी स्थिति चल रही है। देख लीजिए, वैश्वीकरण ने लोकतंत्र के सैद्धांतिक पक्ष को भी कमजोर किया है, वैश्वीकरण ने लोकतंत्र के सैद्धांतिक पक्ष को भी कमजोर किया है, लोकतंत्र के सैद्धांतिक पक्ष को भी कमजोर किया है। फेसबुक ट्विटर यूट्यूब प्रचार के नए साधन आ गए, प्रचार के नए साधन आ गए, और इस तरह प्रत्यक्ष विचार विमर्श की जगह प्रत्यक्ष वाद विवाद की जगह एक पक्षी वार्ताएं चल रही है, जो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसे लिखा जाएगा, लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नहीं है। भाई लोकतंत्र में क्या होता था कि भाई एक तरफ मान लीजिए प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ मीडिया, प्रधानमंत्री बैठ गया, दूसरी तरफ मीडिया बैठ गया, पूछिए भाई जो पूछना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि जो है आप कभी विचार विमर्श सामना सामने ना हो, उसको लोकतंत्र नहीं कहते।
वो भी तो वन साइडेड ही है ना, और उनकी जो इच्छा होगी वही तो बोलेंगे, आप उनसे कुछ पूछ थोड़ी सकते हैं। तो ये लोकतंत्र को ये कमजोर कर रहा है। लोकतंत्र में जैसे विचार विमर्श होगा, काउंटर होगा, तो वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। बस करिए, अब चलिए आगे चला जाए। जो हम लोग पढ़ रहे थे, लिखे थे ना, कोई बात है, कल लिख के लेते आइएगा, उसमें क्या है, लिख के लाके उसमें रख दिया करिए। आप लोग एक नियम बना लीजिए अपना कि हमको लिखना है। पानी पीने आते हैं, गिलास से पानी पीजिए। वो बेचारा देखिए, वो जो डब्बा लगा हुआ आपकी तरफ देखता रहता है कि हमारे अंदर कुछ रख दीजिए। एक पेज लिख के लाया करिए, उसमें रख दिया। अब तो क्वेश्चन बैंक भी आप लोग दे दिया, उसी में से लिखा करिए। संविधान का कोई क्वेश्चन उसमें क्या है, इतना कर लेंगे तो बहुत थे। यही नियम बना लीजिए, उतना ही बहुत। मैं बताया ना, जैसे अब मैं 15 क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों को कराता हूँ टेस्ट में। अब जैसे 15 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अब कितने लोग जैसे हमारे मित्र दोस्तों पढ़ाते हैं तो वो लोग 15 क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, 15 क्वेश्चन कोई फायदा तो होगा नहीं। हम लोग समेकित तो समग्र रूप से जो है टेस्ट लेते हैं, और हम लोग के यहाँ बाकायदे टेस्ट सीरीज चलता है। हम बोले उसी टेस्ट सीरीज का ही तो परिणाम है कि हिंदी माध्यम कितनी दुर्दशा हो गई। यदि धीरे धीरे सिखा दिए होते तो इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती। अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के लोग हैं हम लोग, अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ा कर यदि बच्चा लोगों का 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए होते तो नहीं होते। हमें ध्यान दीजिए, हमारा 15 ही चलने दीजिए। आप समेकित रूप से 10000 क्वेश्चन कराइएगा, 5000 कराइएगा। अब 5000 समझ रहे हैं बात को, कहना बहुत आसान होता है। 15 क्वेश्चन मैं रोज बनाता हूँ, उसका ट्रांसलेशन करके उसको ठीक करता हूँ, उसमें मुझको 1-1.5 घंटा लगता है। और आप कैसे 50 क्वेश्चन रोज करा देंगे? जो जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, मैं जो क्वेश्चन पीटी का बना रहा हूँ, एक अंतर समझिएगा। अब कुछ मत करिएगा आप लोग, एक कहीं PDF बनाकर सब क्वेश्चन आप अपने पास रख लीजिएगा एक जगह फाइल में। और जब कहीं कोई एग्जाम होगा तो बस उस क्वेश्चन को देखिएगा, तो उसमें से कितना आया और कितना नहीं आया। तो अब उसमें क्या आपको दिखाई देगा, जब हम लोग पेपर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां तकनीकी चीज है या जो बार बार क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपकी गलती हो सकती है, उस चीज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत कठिन बनाना ठीक नहीं है। इसमें बहुत सारा कोचिंग का क्वेश्चन कैसा बनता है, इतना कठिन बन जाएगा कि वो क्वेश्चन आए होगा नहीं कुछ भी। ये बताइए, इतना टेस्ट सीरीज चला था ठीक, GS का, किसका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इस बार आया था? आप समझ बनाइए। अरे भाई, तो आप समझ बनाइए ना। इसलिए जटिल पूछते हैं कि जिससे आप आए एडमिशन लें, सीधी सी बात है।